Hazrat Sheikh Fariduddin Attar rahmatullah alayh, he explained the status and the shan and the muqam of the great personalities, almost 96 awliya ikram. ये आपकी किताब है तस्करतुल औलिया और ये दूसरी किताब है जिक्र जमील. ऑलमोस्ट 96 जो औलिया है उनका जिक्र किया आपने. दिस इज द शान ऑफ हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार. फर्स्ट ही एक्सप्लेन द शान एंड द मुकाम ऑफ हजरत इमाम जाफर असादिक. एंड देन आपने जिक्र किया इमाम अबू हनीफा का भी, इमाम शाफी का भी, इमाम अहमद बिन हम्बल का भी, और फिर हजरत जुनेद बगदादी का भी, और फिर हजरत राबिया बसरी का भी. तो ये शान है हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की. आपकी विलादत इन द मंथ ऑफ शबानुल मुअज्जम 513 हिजरी इन नेशापुर खुरासान ईरान आपकी विलादत है. एंड ही मेक पर्दा फ्रॉम दिस दुनिया 15 सफरुल मुजफ्फर 618 हिजरी. एंड द अदर जो रिवायत है दूसरी 29 रबीउल आखिर 627 हिजरी व्हेन ही मेक पर्दा फ्रॉम दिस दुनिया. ये दो तारीखें हैं. और आपका मजार पुर नूर मोहल्ला शादबाग नेशापुर खुरासा ईरान में है. मजार पाक ऑफ हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह. आपका नाम नामे नामी मोहम्मद बिन अबी बकर इब्राहिम, और फिर आपकी कुनियत अबू हामिद, और फिर आपका लकब फरीदुद्दीन. एवरीवन नोज व्हेन वी सेलिब्रेट द उर्स ऑफ हजरत बाबा फरीदुद्दीन, सो दिस ग्रेट वली कामिल हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार ही ब्लेस्ड विद दिस नेम टू हजरत बाबा फरीदुद्दीन हजरत फरीदुद्दीन. आपने अपना नाम दिया हजरत बाबा साहेब को अकॉर्डिंग टू वन तहकीक. तो ये शान है हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की, और आपका तखल्लुस अत्तार है तो इसलिए आपका नाम है हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार. एंड हाउ मेनी ईयर्स ही टुक टू राइट द जिक्र खैर एंड द स्टेटस एंड द मुकाम ऑफ 96 पर्सनैलिटीज, पायस पर्सनैलिटीज, पायस बंदाज ऑफ अल्लाह, पायस उम्मतीज ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. 17 ईयर्स ही टुक टू राइट द जिक्र खैर ऑफ 96 औलिया कराम. 17 ईयर्स ही टुक. अल्हम्दुलिल्लाह. ये शान है हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की. फिर हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी, अल्लाह अकबर. जब आप जिक्र करते हैं हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार का, आप फरमाते हैं कि हफ्त शहरे इश्क रा अत्तार गश्त. ये पर्शियन है, ये फारसी जुबान है. हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी इन द स्टेटस ऑफ हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार ब्यूटीफुली सेज, हफ्त शहरे इश्क रा अत्तार गश्त मा हनूज अंदर गमे यक कूचाए. मतलब के अत्तार हैज ट्रेवल्स द सेवन सिटीज ऑफ लव. सेवन सिटीज ऑफ लव. अब ये नहीं है आज के टुडे यंगस्टर्स बॉयज एंड गर्ल्स के व्हेन एवर इट्स टाइम टू लव समवन फॉर द दुनिया सेक, सो दे कोट हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी. अरे बर ईच एंड एवरी कपलेट ऑफ हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी एंड ईच एंड एवरी कपलेट ऑफ हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार, नॉट इन द लव ऑफ एनीवन बट इन द लव ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो ये है शान हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार की कि हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी सेज के अत्तार हैज ट्रेवर्स्ड द सेवन सिटीज ऑफ लव मा हनूज अंदर गमे यक कूचाएं. वी आर स्टिल एट द टर्न ऑफ वन स्ट्रीट. हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी सेज के इश्क के सात शहरों में अत्तार फिर गया. इश्क के सात शहरों में अत्तार फिर गया और ये रूमी हम शहर की एक गली के एक किनारे पर अभी खड़े हुए हैं. दिस इज द लव एंड दिस इज द शान दैट हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी है फॉर हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह. और फिर आपने ये जिक्र किया, आपने जब आपने ये तस्करतुल औलिया और ये जिक्र जमील किताब लिखी और बहुत सी आपकी तसानीफ हैं, आपने बहुत सी किताबें लिखी, तो आपने चौथा सबब द फोर्थ रीजन ही एक्सप्लेन के मैंने ये क्यों लिखी किताब औलिया की शान में, औलिया के जिक्र खैर में. तो आपने कहा कि नबियों के सरदार इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलिया अल्लाह के जिक्र के वक्त रहमत इलाही नाजिल होती है.
that when you praise Awliya Allah, so Allah will send His mercy upon you. And today what we doing? We praising Awliya in masjid, this side in Bonela Masjid too, and in Vegan Masjid too. So Alhamdulillah, Vegan bhi Astana jo hai Allah ki rahmat baras rahi hai, aur this side Bonela Masjid mein bhi Allah ki rahmat baras rahi hai. So ye shaan hai, aapne farmaya ke isliye maine Awliya ka zikr khair kiya. Phir aapne kaha ke my tongue don't have that ability to praise Anbiya and to praise Ashab and to praise Ahle Bayt. So ye aapki simplicity hai, aajizi hai, inkisari hai, in the court of Anbiya and in the court of Ashab, in the court of Ahle Bayt and in the court of Awliya-e-Karam. So Hazrat Sheikh Fariduddin Attar, ye aapki shaan hai.